आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार के 10वीं गृह मंत्री शाह जी, भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, प्रधानमंत्री कार्यालय में स्वतंत्र प्रभार के मंत्री, हमारे मित्र और जम्मू कश्मीर के निवासी यहां के सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जम्मू के सांसद जो हमसे जुड़े हुए हैं, जुगल किशोर जी जो सांवा में हैं, श्री शमशेर सिंह मन्हास जी जो राज्यसभा के सदस्य हैं और रजौरी से हमसे जुड़े हुए हैं, श्री नजीर अहमद लावे जी जो कुलगांव में हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, अहमद मीर साहब जो राज्यसभा के सदस्य हैं और कुपवाड़ा में जुड़े हैं, जम्मू में मंच पर उपस्थित हमारे सलाहकार श्री राजीव भटनागर जी, श्री फारूक खान साहब, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव श्री बीबीआर सुब्रमण्यम जी, और आज के कार्यक्रम के केंद्र बिंदु हमारे प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्री अटल डुल्लू जी, जम्मू के महापौर श्री चंद्रमोहन गुप्ता जी जो दूसरे सभागार में हैं, श्रीनगर में मंच पर उपस्थित हमारे सभागार श्री बशीर खान जी, वहां के महापौर श्री मुट्टू जी, सभागार में उपस्थित विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, आईआईटी आईएम के डायरेक्टर्स, विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के सम्मानित प्रतिनिधिगण, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के हमारे सभी सहयोगी वरिष्ठ अधिकारीगण, जम्मू के बहनों भाइयों, 200 जिला केंद्रों पर भारी संख्या में जुड़े हुए हमारे लाभार्थी, विशिष्ट जन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, सभी सीएचसी और सब डिविजन्स पर जुड़े हुए हमारे मेडिकल ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर्स, लाभार्थी, बीडीसी के चेयरमैन, सरपंच, मोटे तौर पर आज 125 स्थानों पर यह कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें 20,000 से ज्यादा लोग सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का अपनी ओर से, यहां उपस्थित सभी लोगों की ओर से और जम्मू कश्मीर के बहनों भाइयों की ओर से हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। अभी कल ही क्रिसमस का त्यौहार संपन्न हुआ, पंडित मदन मोहन मालवीय जी और श्रद्धेय अटल जी की जयंती थी कल, और कल प्रधानमंत्री जी ने जहां देश के अन्न किसान सम्मान निधि के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की, वहीं जम्मू कश्मीर के भी 10,70,000 किसानों को कल आर्थिक सहायता प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से मिली। और मैं बताना चाहता हूं कि अभी तक 1132 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत दिया जा चुका है। यह भी बात मैं प्रधानमंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि बाकी राज्यों की तुलना में जम्मू कश्मीर एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां लगभग 70% किसानों को यह सहायता उपलब्ध हो रही है। आपके मार्गदर्शन और सम्माननीय गृह मंत्री जी के निरंतर सहयोग से पहली बार जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कायम हुई है और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हुआ है। यहां लोग कहते हैं कि शायद लंबे समय बाद अनेक लोगों को तो याद भी नहीं है कि हिंसा मुक्त चुनाव कभी जम्मू कश्मीर में हुआ था। और मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आपने कहा था कि लोकतंत्र में हमारी आस्था है, चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र होने चाहिए,
मुझे खुशी है कि आपके निर्देश का पालन करते हुए हमारे सभी अधिकारियों ने, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने, पुलिस के अधिकारियों ने, फोर्सेस के जवानों ने मिलकर के जो आपने निर्देश दिया था उसका ईमानदारी से पालन किया। और स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी मैं हृदय से साधुवाद देना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर के युवाओं, मतदाताओं, महिलाओं को विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने ग्रास रूट डेमोक्रेसी में अपनी आस्था व्यक्त की और लोकतंत्र मजबूत किया। और 28 तारीख पहली तारीख होगी जिस दिन भारत के संविधान के अंतर्गत ये चुने हुए सभी जनप्रतिनिधि अपनी शपथ लेंगे। आगे हमने योजना बनाई है कि डीडीसी के सदस्य मिलकर के डीडीसी के चेयरमैन का चुनाव करेंगे और ये चुने हुए जनप्रतिनिधि जिलों के विकास की रूपरेखा भी तय करेंगे और विकास के काम को आगे भी बढ़ाएंगे। हिंसा फैलाने वाले कुछ लोगों की तमाम कोशिशों के बावजूद सुरक्षा बलों की चौकसी और जम्मू पुलिस प्रयास के कारण हिंसा मुक्त कराने में हम सफल हुए। मैं कहना चाहता हूं कि जब पहली बार मैं आपसे मिला था तो आपने 4-5 बातें प्रमुख रूप से मुझसे कही थी। आपने कहा था कि ट्रांसपेरेंट एंड गुड गवर्नेंस ये जम्मू कश्मीर में स्थापित होना चाहिए। आपने कहा था कि कृषि और बागवानी, हॉर्टिकल्चर में बहुत पोटेंशियल है डेयरी में, उसको एक्सप्लॉयट करने की जरूरत है। आपने चिंता व्यक्त की थी कि बेरोजगारी काफी है, बेरोजगारों को रोजगार मिले ऐसा वातावरण बनाना चाहिए। और आपने ये भी कहा था कि देश के बाकी राज्यों की तुलना में जम्मू कश्मीर कहीं ना कहीं पिछड़ गया है, उसे मुख्य धारा में लाना है और विकास के नए मानदंड भी स्थापित करने। आज मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आपने पीएमडीपी के अंतर्गत जो 55 करोड़ रुपए और विभिन्न परियोजनाएं दी थी कोविड, लेकिन पिछले 3-4 महीनों में गति ने केवल अपनी रफ्तार नहीं पकड़ी है बल्कि 20 परियोजनाएं हमने पूरी की हैं और मार्च में 16 परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी। जो शेष हैं उसमें से 8 जून में पूरी होगी और 2022 में सभी परियोजनाएं पूर्ण करके जब कश्मीर के नागरिकों को सुपुर्द कर दी जाएंगी। पीएमडीपी के अलावा भी आपने अनेक आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स यहां दिए हैं। 2-2 एम्स दिया है, 5-5 मेडिकल कॉलेज दिया है, 2-2 कैंसर इंस्टीट्यूट दिया है। जम्मू एक हर हिंदुस्तान का जहां एम्स भी है, आईआईटी भी है और आईआईएम भी। ये संभव हो सका है तो केवल आपके कारण संभव हो सका है। और मैं कहना चाहता हूं चाहे वो बोन इंस्टीट्यूट हो, सब कुछ अपनी गति से चल रहा है और समय सीमा के भीतर हम निश्चित रूप से पूरा करने की बात हम करेंगे। लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपने जो मंत्र दिया था आत्मनिर्भर भारत का, उसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर बनाने की दिशा में हम सब लोग मिलजुल करके आपके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पिछले साल अगस्त से जम्मू कश्मीर में विकास की नई बयार चल पड़ी है। आंखों में आज तरक्की के सपने हैं, हर युवा के मन में आकाश छूने की आकांक्षा है। गांव-गांव में आपके निर्देश और मार्गदर्शन में आज इंटरव्यू तैयार किए जा रहे हैं। बैक टू विलेज और माई टाउन माई प्राइड का जो कार्यक्रम था, मुझे बताते हुए प्रसन्नता कि जम्मू कश्मीर बैंक ने 15,000 युवाओं को आर्थिक सहायता देकर के उन्हें इंटरप्रेन्योर बनाने में मदद की है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने जिस तरह के इनोवेटिव प्रयोग किए हैं स्वच्छता में, मुझे गर्व होता है। यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है और निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी सराहनीय काम हो रहा है। आपने रोजगार की बात कही थी, 11,000 नौकरियों की प्रक्रिया लगभग अंतिम चरण में है। डॉक्टरों की नियुक्ति हो गई, 13,000 अन्य पदों की भर्ती भी हम जल्द पूरा करने वाले हैं। कश्मीरी पंडित भाई बहनों के लिए 6,000 घर और 6,000 नौकरियां अब बार बार आपने दिया था लेकिन अभी तक किन्हीं कारणों से ये पूरा नहीं हो सका। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आने वाले 5 महीने के अंदर 167 को छोड़ करके बाकी सभी कश्मीरी पंडित भाई बहनों को नौकरी दे दी जाएगी। 6,000 घर भी, उसमें से 4,000 डेढ़ साल में और बाकी जो बचे हैं वो 2 साल में बना करके
उनके पुनर्वास का इंतजाम निश्चित रूप से कर दिया जाएगा। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने भी काफी प्रयास किया है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि केवल देश के बड़े बिजनेस हाउसेस नहीं बल्कि विदेश के लोग भी यहां उद्योग लगाने में रुचि ले रहे हैं। सालों से जो योजनाएं लटकी हुई थीं, उन्हें तेजी से पूरा किया जा रहा है। लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स में 1100 से ज्यादा परियोजनाएं पूर्ण कर ली गई। आप निर्देश पर आपने कहा था कि सामान्य आदमी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, संवाद करो, संवाद की प्रक्रिया को तेज किया गया है और ब्लॉक दिवस में भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। आपके निर्देशानुसार एलजी मुलाकात और ग्रीवांश रिड्रेसल सिस्टम यहां बनाया गया है और मैं कहना चाहता हूं कि आज स्थिति यह है कि अब पेंशन के लिए, किसी सर्टिफिकेट के लिए या प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए या स्कॉलरशिप के लिए अब यहां शिकायतें नहीं आती। डोमेसाइल का काम पूरी तरह से लगभग समाप्त कर दिया गया है। तो इस तरह के 55 से सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो आपने प्रारंभ की थी देश में, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 95% से ज्यादा सेचुरेशन जम्मू कश्मीर में प्राप्त कर लिया गया है। जो बचा है या तो उनके नाम नहीं है या वो मिल नहीं रहे हैं, उसे भी 100% करने की हम कोशिश कर रहे हैं। कृषि और हॉर्टिकल्चर पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। हाई डेंसिटी एप्पल की एरिया बढ़ाई जाए, इसके लिए शासन की ओर से, प्रशासन की ओर से भरपूर सहायता दी जा रही है। किसानों को ट्रैक्टर, पावर टिलर और अन्य उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अभी हाल ही में एक यहां का डेलीगेशन गया था अबू धाबी में और मैं आपको बताना कि केसर की जियो टैगिंग का काम समाप्त कर लिया गया है और भी जो हमारे यहां पैदावार होती है उसको भी हम जियो टैगिंग की ओर आगे ले करके जाना चाहते हैं। कश्मीर सफरन को जीआई टैगिंग मिलना, मैं समझता हूं आपके प्रयास के कारण ही संभव हो सका। आपके स्वच्छता अभियान को भी यहां बल दिया जाए, इसके लिए हर पंचायत में हमने प्रयास किया है स्पोर्ट्स किट बंटवाने का भी और हर पंचायतों में दो दो बड़े डस्टबिन रखवाए गए। कई पंचायतों में, अखनूर के पास में पंचायत में गया था, एक महिला सरपंच है, उन्होंने तो बड़ा ही इनोवेटिव प्रयोग किया था, स्वच्छता शुल्क 10 पैसे हर परिवार पर लगाया और जिस तरह का काम उन्होंने किया है, अनेक सरपंचों ने उससे प्रेरणा लेकर के इस काम को आगे बढ़ाया है। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पूरे देश में जम्मू कश्मीर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पहला स्थान प्राप्त किया है। स्वास्थ्य विभाग में भी कई स्तरों पर जो आज इंडिकेटर्स हैं उनमें जम्मू कश्मीर ने काफी सुधार किया है और आपके कारण दो दो एम्स, 5-5 मेडिकल कॉलेज, कैंसर इंस्टीट्यूट, बोन इंस्टीट्यूट की अनेक संस्थाएं यहां खुल रही हैं ताकि अच्छा इलाज यहां लोगों को प्राप्त हो सके। मैं बताना चाहता हूं कि कोविड का मैनेजमेंट भी अच्छे ढंग से यहां हम सब ने मिलकर के किया है और आज इसके अच्छे राज्यों में हमारी गिनती हो रही। आने वाले जब आपने पिछली बैठक में निर्देश दिया था कि कोविड की वैक्सीनेशन की तैयारी करनी चाहिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरी मुकम्मल तैयारी हम सब ने की है और जब भी वो मिलेगा तो मैं समझता हूं बहुत कम समय में जो लोग चिन्हित होंगे उन्हें वैक्सीन उपलब्ध कराने में हम सफलता प्राप्त कर सकेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में नेशनल मॉर्टलिटी रेट अब 13.3 गिर करके सिंगल डिजिट में हो गया है, 9.8 पर 1000 बर्थ। दो एम 140 हेल्थ प्रोजेक्ट आपने कश्मीर को दिए, 75 से ज्यादा परियोजनाएं पूरी हो गई हैं और 26 अगले साल पूरी कर ली जाएंगी। जो शेष हैं उन्हें भी हम शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। टूरिज्म पटरी पर लौट गया है, 24 दिसंबर भी जो बीता है, जो आंकड़े उपलब्ध हैं, पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा सैलानी देशी और विदेशी पिछले 24 दिसंबर को जम्मू कश्मीर में आए हैं, ये एक अच्छी बात। मुबारक मंडी और शेरगढ़ी के रेस्टोरेशन का काम भी बड़े पैमाने पर हम शुरू करने जा रहे हैं। भारत सरकार के सचिव
कल्चर राघवेंद्र सिंह जी के की पूरी टीम ने उनका मुआयना किया है और आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर जो समिति है आदरणीय गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में, वो समिति इन दोनों कामों को आने वाले दिनों में पूरा कराएगी। आपके आसपास से अगले 3 सालों में जम्मू और श्रीनगर के लोग मेट्रो पर सवारी कर सकेंगे, ये इंतजाम भी हम सब ने मिलकर के किया। आयुष्मान भारत जब आपके मार्गदर्शन में शुरू हुआ था देश में, मैं उस समय कार्यक्रम में था, गाजीपुर में था, जो उत्साह मैंने देखा था। आने के बाद मैं जब यहां आया था तो मेरे पूर्व के जो उपराज्यपाल थे श्री जी सी मुर्मू जी ने इसकी अवधारणा और इसकी घोषणा की थी। जब मैं आपसे मिला था तो आपको मैंने विस्तार से बताया था और आपने निर्देशित किया था कि किस तरह से इस काम को आगे बढ़ाना है, और आपके निर्देशन में हम अपने सभी मित्रों के साथ इस योजना को आज जमीन पर उतारने में सफल हुए। आयुष्मान भारत के अंतर्गत लगभग 6 लाख परिवारों को यह सुविधा मिल रही। मोटे तौर पर मैं कहूं तो पूरी आबादी जो जम्मू कश्मीर की है 32-35 लाख लोगों को यह सुविधा प्राप्त है। जो शेष 1 करोड़ लोग हैं उनको प्रधानमंत्री जन आरोग्य सेहत, ये सेहत नाम यहाँ के लोगों की सलाह से हमने तय किया है और आपने इसकी स्वीकृति दी है। आज हम आपके यहाँ कर कमलों से प्रारंभ कराने जा रहे हैं। कई लोगों ने कहा मेरे पूर्व की ऐतिहासिक दिन है, मैं उसमें संशोधन करना चाहता हूँ। आज जम्मू कश्मीर के लिए एक स्वर्णिम युग, स्वर्णिम अध्याय प्रारंभ हो रहा है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। इसमें भी 5 लाख रुपए के इलाज की सुविधा और वे सारे टर्म्स एंड कंडीशंस वही हैं जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य में है, पोर्टेबल भी है। तो हर नागरिक, मैं मानता हूं कि शायद देश ये पहला राज्य है और देश नहीं शायद दुनिया में कोई स्थान नहीं होगा जहां हर नागरिक को हेल्थ कवरेज का इस तरह से इंतजाम किया है। लोगों ने, ये आपके कारण संभव हो सका है, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं आपके पिछले मंत्रिमंडल में मैं आपके साथ काम करता था, लेकिन मैं कह सकता हूं शायद उस समय इतनी बात आपसे मैं नहीं कर पाता था। आपकी जो चिंता है जम्मू कश्मीर को लेकर के, जब भी मुझे कोई दिक्कत समझ में आई है, जब भी मुझे मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ी है, 12 बजे रात भी आपने जम्मू कश्मीर के लिए मेरा मार्गदर्शन किया है। और मैं जानता हूं जम्मू कश्मीर के लिए आपके हृदय में कितनी पीड़ा है। आप देखना चाहते हैं जम्मू कश्मीर को एक विकसित राज्य के रूप में, इसके लिए मैं अपनी ओर से जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों की ओर से आपका हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। और सम्माननीय गृह मंत्री जी को भी विशेष रूप से मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि जब जब प्रायः प्रतिदिन ही किसी न किसी विषय पर उनसे सलाह मुझे मिलती है और ये हमको ताकत प्रदान करता है। अंत में इस पाक सफक मौके पर एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है। खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है। तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें, तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हों। जमी पे चांद कहां रोज रोज उतरता है। हमारी खुशकिस्मती है कि आज आप हम सबके बीच मौजूद हैं। आपसे